हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 26 एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स स्टार्ट कराने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब सबसे पहले ये देखो कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होता क्या है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब है कि जो आप अपना टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप अपने पूरे साल का जो टैक्स पे करते हैं वो आप करंट ईयर में ही साथ के साथ पे करते जाएंगे। जैसे जैसे आप अर्न करोगे वैसे वैसे आप उसको पे करते जाओगे, इसको हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और पे एज यू अर्न स्कीम, ठीक है, इसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स भी बोल सकते हैं और एक स्कीम के अंदर भी आता है जिसको हम बोलते हैं पे एज यू अर्न। जैसे जैसे आप अर्न करेंगे वैसे वैसे आप इसको पे करोगे। अब पे एज यू अर्न स्कीम का मतलब है जो असेसी है हैज़ टू पे टैक्स साइमल्टेनियसली अलोंग विद द अर्निंग ऑफ हिज इनकम। जिस टाइम पे वो इनकम को अर्न कर रहा है उसी सेम टाइम के अंदर अंदर वो अपना जो टैक्स है वो भी पे करेगा। दिस टैक्स इज पेड ऑन द करंट ईयर्स इनकम इन द सेम ईयर। सेम ईयर के अंदर जो उसकी करंट ईयर की इनकम होगी उसी के ऊपर वो टैक्स को पे करेगा। इनफैक्ट इसको हम कहेंगे कि ये जो है एक तरीके से एडवांस में पेमेंट हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके बाद है लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स को पे करने की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एडवांस टैक्स जो है आपका फाइनेंशियल ईयर में ही पे होना चाहिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही पे होना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर जितना टैक्स चार्ज होता है उसके हिसाब से ही वो पे होना चाहिए, और उस ईयर में जिस जिस टाइम पर आप अर्न कर रहे हैं उसी टाइम पर आपका एडवांस टैक्स पे होता है। तो जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है वो मेनली जो होता है वो किस पर होता है, करंट ईयर पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है शॉल नॉट बी लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। वो एडवांस टैक्स नहीं पे करने के लिए लाइबल ही नहीं है अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अब दो कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली है ही डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि अगर कोई भी इनकम ऐसी है, ठीक है, जो कि आपके अगर तो वो इनकम चार्जेबल नहीं है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन के अंदर, यानी कि आपकी कोई ऐसी इनकम नहीं है जो कि चार्जेबल हो रही है अंडर द हेड पीजीबीपी, तो आप जो है एक ऐसा इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया आप लाइबल ही नहीं है कि आप जो है एडवांस टैक्स को पे करेंगे। दूसरा, ही इज ऑफ द एज 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर अगर उसकी एज 60 ईयर्स है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो भी लाइबल नहीं है कि वो एडवांस टैक्स को पे करेगा। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। कंडीशन क्या है, एडवांस टैक्स जो है आपका पेबल होना चाहिए ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। उस ईयर में कोई भी केस है जहाँ पर आपका अमाउंट जो है अगर वो 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा होता है, यानी जो आपका टैक्स पेबल है जो टैक्स पे करता है एसएससी, अगर वो अमाउंट ड्यूरिंग दैट ईयर उस ईयर के अंदर आपका जो है 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो एडवांस टैक्स जो है आपको वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। जो मेन टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे होती है। सबसे पहला है कंप्यूटेशन बाय द असेसी। जहाँ पे एडवांस टैक्स पे किया जाएगा तो असेसी जो है अपने आप से ही एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है उसका टैक्स कंप्यूट करेगा, कितना आता है उसकी एस्टिमेटेड करंट इनकम पर। एस्टिमेटेड करंट इनकम का मतलब होता है कि अगर वो अपनी तरफ से मान के चलेगा कि उसकी ये जो इनकम है इस साल इतनी इनकम होगी, उस एस्टिमेटेड करंट इनकम पर वो ये टैक्स मान के चलेगा कि इतना टैक्स बनेगा। अब उसको वही सेम अमाउंट क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, चाहे उसने पहले ऐसा असेसमेंट किया था या नहीं किया था उससे मतलब नहीं है। जो भी उसने जो एस्टिमेटेड करंट इनकम है, जो भी रेट्स चल रहे होंगे उस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर की जो भी एस्टिमेटेड करंट इनकम होगी उसके ऊपर वो टैक्स को कंप्यूट करेगा, और उसी के हिसाब से जो भी अमाउंट बनेगा वो क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। फिर दूसरा है कंप्यूटेशन बाय असेसिंग ऑफिसर।
अब कंप्यूटेशन कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर करेगा। अब वो असेसिंग ऑफिसर कैसे करेगा? असेसिंग ऑफिसर जो है, जहाँ पे जो पर्सन है उसने पहले से ही इनकम को, यानी जो असेसी है उसने पहले से ही इनकम को असेस्ड कर लिया रेगुलर असेसमेंट के चलते, और वो कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करता, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, उस टोटल इनकम को लेगा जो प्रीवियस ईयर की, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर होगा उसकी टोटल इनकम को लेगा, और उससे पिछला वाला या उससे सब्सिक्वेंट जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसकी लेगा। उसकी इनकम को लेने के बाद उन दोनों का कंपैरिजन करेगा, उन दोनों का कंपैरिजन में जो भी हायर वाली होगी उसके हिसाब से उसको देखेगा, और फिर जो फाइनेंशियल ईयर उसका आएगा इनकम टैक्स का, जो न्यू फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं करंट ईयर, तो उसका जो है वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। ये भी कैसे करेगा, एस्टिमेटेड पर ही करेगा, और जो रेट्स वहाँ पे लगाए हुए होंगे उसी हिसाब से रेट्स पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, और फिर वो एडवांस टैक्स की जो है डिमांड करेगा असेसिंग ऑफिसर से, आपका असेसी से, असेसिंग ऑफिसर डिमांड करेगा। उसके बाद है, फिर ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें बोला है, जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया है पैरा फर्स्ट के अंदर और पैरा सेकंड के अंदर, एज द केस में भी जैसा भी केस है, शॉल इन ईच केस बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल और कलेक्टेबल एट सोर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनी इनकम विच हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द करंट इनकम और टोटल इनकम, द बैलेंस विल बी द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। क्या बोला है, जो भी आपका TDS होगा या TCS होगा, जो भी आपने पहले इसमें अगर कैलकुलेट हुआ है या इस भी इससे कैलकुलेट हुआ है, जिस भी तरीके से कैलकुलेट हुआ है आपका जो एडवांस टैक्स है, उस टैक्स में से TDS या फिर जो TCS होगा उसको डिडक्ट किया जाएगा। डिडक्ट करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वही आपका एडवांस टैक्स होगा और उसको आपको पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, हाउएवर द डिडक्शन फॉर द टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स शॉल नॉट बी अलाउड इफ द टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर हैज़ फेल्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट एट सोर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो अमाउंट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS, ये जो अमाउंट है, अगर ये दोनों अमाउंट जो डिडक्टर्स हैं, दोनों डिडक्टर्स हैं, उन्हों वही फेल हो गए हैं इसको कलेक्ट करने के लिए या फिर डिडक्ट करने के लिए, तो ये जो अमाउंट है ये एडवांस टैक्स जो पेमेंट करनी है एडवांस टैक्स की उसमें से डिडक्ट नहीं होगा। इन द केस तब जब टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर जो हैं उन्होंने इस डिमांड को या तो डिडक्ट नहीं किया या फिर कलेक्ट नहीं किया, तो वो जो पर्संस हैं उनका जो असेसी, जो असेसी है ना, वो जो है अपने TDS और TCS को एडवांस टैक्स पेबल में नहीं काट सकता, चाहे वो असेसी है चाहे वो असेसिंग ऑफिसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब नेट एग्रीकल्चर इनकम भी अकाउंट में ली जाएगी कैसे? अब यहाँ पे बोला गया है, वेयर इन द केस ऑफ एनी क्लास ऑफ असेसीज नेट एग्रीकल्चर इनकम हैज़ टू बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स इसका भी कंप्यूट किया जाएगा। सच इनकम विल बी एडेड टू द अफोरसेड इनकम एंड द टैक्स शॉल बी कंप्यूटेड इन द मैनर डिस्कस इन द चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में जो भी पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं उसी के हिसाब से इन्होंने बोला कि जो एडवांस टैक्स है उसको कंप्यूट किया जाएगा और उस एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो है वो एडवांस टैक्स ऐड किया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द असेसी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। अभी सेक्शन आता है 210 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं, एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, जितने भी पर्सन्स हैं जो कि एडवांस टैक्स को पे करने के लिए लाइबल हैं, वो पर्सन्स वेदर और नॉट ही हैज़ बीन प्रीवियसली असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट, जो रेगुलर असेसमेंट वो पे करते थे, अगर वो पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी पहले से उन्होंने जो है रेगुलर असेसमेंट से ही पे किया, उस टाइम पे एडवांस टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो भी अगर वो लाइबल है एडवांस टैक्स को पे करने के लिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी पेमेंट को उस डेट पर लिखेंगे, यानी कि जो डेट आपको पहले से बता रखी है उस डेट के अकॉर्डिंग वही परसेंटेज को लगाएंगे। अब डेट्स क्या हैं,
किस तरह से इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह की डेट है और एप्रोप्रिएट जो भी परसेंटेज है उनके ऊपर उस हिसाब से एडवांस टैक्स को जो है कैलकुलेट किया जाएगा करंट इनकम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु पेज एनी इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सब सेक्शन वन may increase or reduce the amount of tax payable in the remaining installment or installments to accord with his estimate of his current income and the advance tax payable thereon. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो भी persons जो हैं advance tax को installment में pay कर रहे हैं, अब वो persons अपने हिसाब से जैसे भी आपकी ये बनेगी, ठीक है, उस हिसाब से क्या करेंगे, एडवांस टैक्स को इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं और जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनको बाद में आप पे कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा वो जो मैं आपको बताऊंगी, ड्यू डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट और कितना अमाउंट पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, तो आपको ये पॉइंट भी ढंग से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ अ पर्सन हु हैड ऑलरेडी बीन असेस्ड टू इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर एंड द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट such person is liable to pay advance tax he may at the time during the financial year but not later than the last day of February required to such person to pay advance tax calculated in the manner laid down in the section 209 and to issue to such person a notice of demand specifying the installment or installments in such in which such tax is to be paid। अब इसमें क्या बोला है कि अगर कोई भी पर्सन जो पहले से ही जो है इनकम टैक्स में असेसमेंट कर रहा है उसकी टोटल इनकम पर प्रीवियस ईयर का जो भी है उसका प्रीवियस ईयर का जो भी इनकम है उसके हिसाब से पे कर रहा है यानी रेगुलर असेसमेंट पे ही कर रहा है, तो अगर उसको ऐसा लगता है कि उसने क्या करना है एडवांस टैक्स के अकॉर्डिंग पे करना है या किसी भी तरह से असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो लायबल है एडवांस टैक्स को पे करने के लिए, तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसको फाइनेंशियल ईयर में कभी भी बोल देगा कि वो एडवांस टैक्स को पे करें, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर वो एडवांस टैक्स को लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी के बाद अगर असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, पहली बात तो बोलेंगे नहीं, अगर बोलते हैं तो वो बोल भी नहीं सकते, उनके पास राइट नहीं है, क्यों, क्योंकि फेब्रवरी के बाद जो भी लास्ट डेट होती है फेब्रवरी के उसके बाद नहीं बोल सकते हैं कि आप एडवांस टैक्स पे करो, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन एडवांस टैक्स पे करता है अगर असेसिंग ऑफिसर ने बोला है बट फेब्रवरी से पहले, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर बोला गया है, तो उस केस में वो क्या करेगा, जो भी मैनर आपको बता रखे हैं सेक्शन 209 के अंदर। अब सेक्शन 209 कौन सा है, जो भी हमने पढ़ा कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स का, जिसमें कंप्यूटेशन बाय एसएससी है, कंप्यूटेशन बाय असेसिंग ऑफिसर है, फिर जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा उसमें से टीडीएस माइनस करना है, टीसीएस माइनस करना है, तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से बाद में क्या होगा, आपकी इंस्टॉलमेंट्स निकल कर आएंगी और वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो पर्सन जो है टैक्स पे करेगा एडवांस टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि अगर जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर निकालता है, ठीक है, जैसे अंडर जो थर्ड पॉइंट बोला गया था कि असेसिंग ऑफिसर बोलेगा, तो अगर वो ऑर्डर निकालता है लेकिन वो फर्स्ट मार्च से पहले निकालता है, तो उस केस में अगर रिटर्न फर्निश की जा रही है असेसी के द्वारा फॉर एनी लेटर ईयर यानी कोई भी आगे वाले ईयर के अंदर और किसी भी असेसमेंट में, ठीक है, एट द हायर फिगर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर उसकी जो फिगर जो है यानी जो उसकी लाइबिलिटी है जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज़्यादा है प्रीवियस ईयर्स के रिलेशन में, तो असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो वो अपना ऑर्डर अमेंड भी कर सकता है यानी कि वो चेंज भी कर सकता है उस अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं वो बोल सकता है कि आप एडवांस टैक्स जो है किस तरह से पे करोगे, आपने कब कब पे करना है, ठीक है। और पहली बात तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बताऊंगी तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से बाद में क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि अगर कोई भी पर्सन असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर मान लेता है, किसके अंदर, ये जो थर्ड पॉइंट था और ये जो फोर्थ पॉइंट अभी हमने किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा एडवांस टैक्स कितना पे करना है उसकी करंट इनकम के अंदर, और वो एडवांस टैक्स जो है अब जब उसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है,
अब जो पर्सन है उसने कैलकुलेट कर लिया कि मेरा इतना एडवांस टैक्स बनता है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर भेजा है उसके अकॉर्डिंग अगर एडवांस टैक्स उसका पेमेंट जो है असेसिंग ऑफिसर ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर को एक इंटीमेशन सेंड करेगा कि भाई मेरा टैक्स तो इतना बनता है मेरे हिसाब से, अब आपकी एस्टिमेशन के हिसाब से इतना बन रहा है, तो इतना डिफरेंस आ रहा है टैक्स पेमेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जिस भी पर्सन ने असेसिंग ऑफिसर को उस ऑर्डर के रिगार्डिंग भेजा था इंटीमेशन, जो थर्ड और फोर्थ में आपने बात करी थी, थर्ड में हमारा क्या था कि नोटिस आया है, नोटिस ऑफ डिमांड आया है कि आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है उसके रिगार्डिंग है, या फिर फोर्थ में देखो, फोर्थ में ये बोला गया था कि 1 मार्च से पहले दिया गया है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बाद वो अपनी एस्टिमेशन करेगा एडवांस टैक्स पेबल की। एस्टिमेशन करने पर अगर उसको लगता है कि उसकी जो एस्टिमेशन है वो एग्जीड जा रही है जितना कि ऑर्डर दिया गया है, यानी कि क्या बोला गया, पहले तो ये बोला गया कि ऑर्डर के हिसाब से उसकी जो एस्टिमेशन है वो कम जा रही है, अब ऑर्डर के हिसाब से उसकी जो एस्टिमेशन है अगर वो ज़्यादा जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी अमाउंट होगा वो पहले तो पे कर देगा, ठीक है। फिर बाद में अगर कुछ रिटर्न वगैरह होगा असेसिंग ऑफिसर से रिलेटेड, उसकी एस्टिमेशन फिर वो लगाएंगे, क्योंकि उनको इंटीमेशन भी भेजा गया होगा उस पर्सन के द्वारा, तो जिस हिसाब से जो भी एस्टिमेशन होगी असेसिंग ऑफिसर की, या फिर जो भी हायर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स होगा, तो वो उस हिसाब से पहले तो वो पे कर देगा। फिर बाद में क्या होगा, या तो वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स होंगी या तो वो कम कर देंगे, या फिर अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो कुछ रिफंड होना होगा तो वो रिफंड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, रेस एक्सेट्रा। जनरली यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता कि आप जो है इन इनकम्स पर एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करें, एस्टिमेट करें। हेंस कई बार क्या है, इफ़ एनी सच इनकम अराइजेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट्स, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनी हैं उनकी ड्यू डेट के बाद अगर ऐसी कुछ इनकम अराइज हो जाती है, तो उस केस में जो भी अमाउंट पेमेंट के लिए होगा, यानी जो भी टैक्स पेमेंट के लिए होगा कैपिटल गेंस या लॉटरी या इनकम जो भी आपकी अक्रू हुई है फर्स्ट टाइम, जो भी आपकी अक्रू कैसे हुई है फर्स्ट टाइम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड से, या फिर आपका कोई डिविडेंड लाइबल है टैक्स को पे करने से, तो आप उसको भी टैक्स को निकालेंगे और उसमें से फिर माइनस क्या करेंगे, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, ठीक है। फिर माइनस करने के बाद उस जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनी होंगी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, तो उन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स पर एडवांस टैक्स को पे किया जाएगा। वेयर अगर कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं बनती हैं, तो जो भी इनकम आफ्टर 15 मार्च अराइज हुई हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर जो है टैक्स पे किया जाएगा बाय द 31st मार्च। इफ़ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज सो पेड, अगर पे कर दिया गया है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट अगर पे नहीं किया गया है तो इंटरेस्ट लगेगा। अब जो मैं आपको इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और ड्यू डेट्स की बात कर रही थी वो ये है, ध्यान से देखना इसको, इसके ऊपर जो आगे के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी बेस्ड हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला क्या है, एडवांस टैक्स जो भी है करंट ईयर में आपने किस तरह से पे करना है। पहला है यहाँ पे ऑन और बिफोर 15 जून, पहली जो डेट होती है या आपका जो पहला क्वार्टर होता है ये बात कह लो, वो 15 जून का होगा। 15 जून पर, 15 जून पर या उससे पहले अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो उसकी जो टैक्स लिमिट होगी वो नॉट लेस देन 15%, यानी आपने कितना पे करना होगा जो आपका एडवांस टैक्स है उसका 15%, जितना टैक्स पेबल है उसका 15%। फिर नेक्स्ट है ऑन और बिफोर 15 सितंबर, 15 सितंबर पर ऑन और बिफोर, अब ये बात भी ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, देखिए ध्यान से। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ आपकी इंस्टॉलमेंट्स और आपका अमाउंट एक्चुअली में कितना पेड हो जाना चाहिए, तो वो है सबसे पहला है ऑन या फिर बिफोर 15 जून, ठीक है। 15 जून या 15 जून से पहले आप कितना अमाउंट पे करेंगे 15% का एडवांस टैक्स। फिर उसके बाद है ऑन या बिफोर 15 सितंबर, ऑन या बिफोर
15 सितंबर पर या उससे पहले आप कितना अमाउंट पे कर चुके होंगे, आपको एटलीस्ट 45% तक पे करना है। अब ये 45% का मतलब क्या है, ये 45% आपका टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट का मतलब है, मान लो कि आपने पिछली बार 15 जून को सिर्फ 7% ही पे किया था, बट अब की बार आपका 45% हो जाना चाहिए। तो आपने एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे करना है, यानी 8% जो आपने और पे करना होगा, तो वो आप यहाँ पे करोगे। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, 45% ये है, यहाँ तक 45% तक पे हो जाना चाहिए। पहले आपने कितना पे कर लिया, 15%, तो आपने क्या करना है, 45% में से जो आप पहले पे कर चुके हैं 15%, उसको लेस करेंगे तो आपको एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 30% का पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ऑन या फिर बिफोर 15th of December, 15 दिसंबर को या 15 दिसंबर से पहले अब आपका अमाउंट कितना पे हो जाना चाहिए, 75%। अब आपको पता है कि 75% पूरा अमाउंट, यहाँ तक का पूरा अमाउंट आपका 75% तक का असेसिंग ऑफिसर के पास पहुँच जाना चाहिए। अब अगर आपने पिछली बार पूरा 45% जो है वो पे कर दिया था, ठीक है, 75 में से जो आपका 30 बच रहा था, ये 30 मीन्स ये वाला जो 30 अगर आपने पे कर दिया था, तो अब आपने कितना पे करना होगा, तो आप माइनस करेंगे 75% में से 30% को माइनस करोगे तो आपका कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 45% नहीं, क्योंकि हमें टोटल कितना पे करना था वहाँ तक, 45% तक का, तो हम कितना करेंगे 45% तक, तो हमारे पास कितना बचेगा, अगेन 30%। अगर आपने पहले 45% तक कर दिया था तो आपको सिर्फ अब की बार कितना पे करना पड़ेगा, 30% तक का। लेकिन अगर आपने 30% पहले, यानी ये जो 45% तक का है, पे नहीं किया था, तो आपका ये वाला अमाउंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें आपका सारा का सारा अमाउंट आ जाना चाहिए। वो कब आना चाहिए, ऑन और बिफोर 15th of March, 15th मार्च तक आपका 100% तक का अमाउंट आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका 100% के अमाउंट में अगर आप यहाँ तक 75% तक पूरा पे कर चुके हो, तब आपने सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 25%। बट अगर आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो आपको और भी अमाउंट जितना पे आपने नहीं किया होगा वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये है ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे थोड़ी बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा अगर मैं बता रही हूँ ध्यान से देख लेना इस चीज़ पे, क्योंकि इसके ऊपर ही आपके जो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं। तो देखो ध्यान से, ऑन बिफोर 15th जून, अगर 15 जून की बात है, तो 15% तक का अमाउंट आपका डिपॉजिट हो जाना चाहिए एडवांस टैक्स के तौर पर। अगर आपका नेक्स्ट 15 सितंबर की इंस्टॉलमेंट आती है, इंस्टॉलमेंट देखो कैसे आएगी, 15 जून की, 15 सितंबर की, 15 दिसंबर की, और नेक्स्ट होगी 15 मार्च की। ठीक है, फिर ऑन और बिफोर आप अपने आप लगा लेंगे। उसके बाद 15 सितंबर तक की 45% तक की होती है, इसका मतलब टोटल 45% आ जाना चाहिए, जिसमें से अगर आपने 15% पहले पे कर दिया है तो इस बार की कितनी की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 30% की। फिर नेक्स्ट है, अगर 15 दिसंबर पर कितने तक का पैसा आ जाना चाहिए आपका एडवांस टैक्स, 75% तक का, और अगर आपने पहले 45% तक पे कर दिया है, तो नेक्स्ट अब कितना इंस्टॉलमेंट आपका एक्चुअल में बनेगा, 30% का। इसी तरह से अगर 15 मार्च पर आपने जो है आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट है, 100%, अब आपने देनी है सारी, और अगर आप पिछली बार में 75% तक का पे कर चुके हैं एडवांस टैक्स, तो अब आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 25% की। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इंस्टॉलमेंट्स निकलेंगी। उसके बाद अब देखो, फिर है हमारे पास, इन्होंने ऊपर बोल ही दिया था कि जो भी एडवांस टैक्स करंट इनकम का पे किया जाएगा वो इस तरह से लाइबल होगा इस टेबल के हिसाब से, लेकिन किसको छोड़कर, जो आपका बी में बोला गया है। बी में क्या है, कोई भी एलिजिबल असेसी है जिसका एलिजिबल बिजनेस है अंडर सेक्शन 44AD और एलिजिबल प्रोफेशन है अंडर सेक्शन 44ADA, तो वो जो है पूरा होल अमाउंट जो है एडवांस टैक्स का पे करेगा 15 मार्च और या फिर 15 मार्च से पहले ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो भी उसका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है प्रीवियस ईयर का और करंट इनकम का, क्लियर है इतनी बात, आगे देखो। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी भी तरह की जो है पेमेंट हो रही है एडवांस टैक्स की 31 मार्च से पहले या 31 मार्च तक, तो वो एडवांस टैक्स पेड किया माना जाएगा एज अ ड्यूरिंग इन द
फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी का एडवांस टैक्स माना जाएगा अगर किसी भी तरह की पेमेंट जो है वो 31 मार्च से पहले हो रही है या फिर 31 मार्च को हो रही है। फिर नेक्स्ट है क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स। कोई भी सम पे किया जा रहा है SSC के द्वारा एज एडवांस टैक्स, तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड क्रेडिट, देयरफॉर शॉल बी गिवन टू द SSC इन रेगुलर असेसमेंट। जो भी पेमेंट हुई है तो उसको एडवांस टैक्स की तरह ही जो है ट्रीट किया जाएगा, या आप कह सकते हैं जो एडवांस टैक्स पे किया जा रहा है, कोई भी सम एडवांस टैक्स का पे किया जा रहा है तो वो पेमेंट ऑफ टैक्स और क्रेडिट के अंदर आ जाएगा, और वो एक तरीके से रेगुलर असेसमेंट की तरह ही प्रोसीजर चलता है। बस ये हो जाता है कि आप साथ के साथ जैसे जैसे अर्न कर रहे हैं वैसे वैसे टैक्स को पे करेंगे। उसके बाद है ऑन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट। अब ये पूरा एक प्रोसीजर है असेसमेंट का, ये हम पहले वाले चैप्टर में करने वाले थे, जो इससे पहले वाला चैप्टर है फेसलेस असेसमेंट पेनल्टी सेंटर वाला, तो वो वाला उस चैप्टर के अंदर है ये टॉपिक। अभी मैं आपको यहीं तक का ही टॉपिक करा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट टॉपिक, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करा दूंगी कि किस तरह से आपने करना है अटेम्प्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।